सीलमपुर नामक एक गांव में एक सलीम नाम का लड़का अपनी बीवी समा के साथ रहा करता था। उसकी बीवी काफी समय बाद गर्भवती हुई थी। समा, कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने। मैं बाप बनने जा रहा हूँ। मेरा फिर से बचपन दोबारा से लौट कर आ रहा है। बहुत इंतजार करा है इस वक्त का। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो रहा है। एक औरत के लिए माँ बनना कितना बड़ा सौभाग्य होता है। अब तुम्हें अपना ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तुम्हें अपने साथ साथ हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना है। जो बातें तुम्हें दाई ने बताई हैं उनका ध्यान रखना, और तभी तो फिर तुम और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आह, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? इतनी तेज क्यों चिल्लाई? कुछ नहीं, नालायक ने लात मारी है। देखो क्या मस्ती चढ़ी है इसे। अच्छा, ये तो अभी से इतना शैतान है कि किक मारता है, आगे क्या करेगा। सुनो, ना जाने क्यों आज मछली खाने का मन कर रहा है। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तुम्हारा या शैतान का मन कर रहा है? तुम्हारा मन न जाने क्या क्या खाने को करता है। कोई नहीं, मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ भी समझ लो, अगर मैं खाऊंगी तभी तो वो खाएगा, और ऐसी अवस्था में तो मन करता ही है। अब नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी, ला दो ना। ठीक है, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ मछली, फिर जी भर कर खा लेना। सलीम बाजार से मछली लेने के लिए जाता है। वो जाकर देखता है कि मछली तो बासी है, पर फिर भी वो भाव लेता है। अरे भैया, मछली कैसी है? सही तो है ना? हाँ जी, 300 रुपए किलो। अरे इतनी महंगी, वो भी ये बासी मछली। महंगी लग रही है, यूं ही मछली बाजार में बिकने नहीं आती, मेहनत लगती है। अरे, एक तो मछली इतनी महंगी और उस पर भी बासी। ना ना, मैं अपने बच्चे को बासी मछली तो नहीं खिलाऊंगा। अरे जाओ जाओ, इतने नखरे नहीं चाहिए, बेकार का समय खोटी कर रहा है। हाँ हाँ, जाता हूँ। इससे अच्छा तो मैं खुद ही तालाब से मछली पकड़ लूँ और अपने बच्चे को खिलाऊँ। सलीम वहाँ से घर आ जाता है। लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मछली नहीं मिली। क्या हुआ? कुछ भी करो, पर मुझे तो मछली ही खानी। कुछ और खा लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अभी तालाब से तुम्हारे लिए मछली पकड़ कर लाता हूँ। ओहो, तुम मछली पकड़ोगे? यहाँ एक मच्छर तो पकड़ कर मारा नहीं जाता। तुम रुको, देखना मैं इतनी अच्छी मछली पकड़ूंगा, तुम भी मान जाओगी। मुझे भी जाना है, मैं भी साथ चलूंगी, देखती हूँ कैसे पकड़ते हो तुम मछली। ठीक है ठीक है, तुम कौन सा मानोगी? वहाँ न जाने क्या करोगी, तुम्हें समझना भी तो मुश्किल है। तुम कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे और अपना ध्यान रखो। हाँ, सलीम और समा दोनों तालाब में मछली पकड़ने तालाब की ओर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी पहले से ही मछली के इंतजार में बैठा था। अरे सलीम, तुम समा को लेकर क्यों आ गए? उसकी ऐसी हालत है कि वो यहाँ आए, जरा सा पैर फिसला तो अनहोनी हो सकती है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपना ध्यान रखो बेटा। क्या करूं बाबा, आपको तो पता है ना, औरतें सुनती ही नहीं है। इसको शौक चढ़ा है मछली पकड़ने का। इसको लगता है मैं मछली नहीं पकड़ सकता। इसको क्या पता मैं कितनी अच्छी मछली पकड़ सकता हूँ। तुम मछली पकड़ोगे? मैं इतनी देर से मछली पकड़ने के लिए बैठा हूँ, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। और जिसको मछली पकड़ने की कोई कला नहीं आती, अब वो मछली पकड़ेगा। जाओ जाओ, घर जाओ और बीवी का ध्यान रखो। नहीं नहीं, अब तो मुझे ताजी मछली ही खानी है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब देखो समा, मैं कैसे मछली पकड़ कर लाता हूँ। ठीक है, जल्दी लाओ, बातें कम करो, काम करो काम। सलीम तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। तभी वहाँ एक बड़ी मछली जाल में आते आते रह जाती है। अरे अरे, बच गई, इतनी बड़ी मछली आते आते रह गई। रहने दो, इतनी बड़ी मछली आई थी वो भी जाने दी। ऐसे ही पकड़ोगे मछली? तुमसे ना हो पाएगा। चलो घर, तुम ना खिलाओगे मछली। ऐसा ना कहो, रुको,
मैं अभी यही मछली पकड़ कर लाता हूँ। तुम मुझे चैलेंज मत करो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं अभी आता हूँ और तुम यहाँ आराम से खड़ी रहकर बस देखती रहो। सलीम तालाब में कूद जाता है और बड़ी मशक्कत से उस बड़ी मछली को ढूंढ कर पकड़ लेता है, पर वो बार बार फिसल जाती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लो समा, इतनी बड़ी मछली, अब जी भर के खाओ। अब तो खुश हो? अब तो मुझे मानती हो ना? वाह वाह, क्या बात है, मान गई। अभी कहा और तुमने सच में इतनी बड़ी मछली पकड़ कर दे दी। अब तो जी भर कर मछली खाऊंगी, मजा आ जाएगा। अरे सलीम भाई, मान गए तुझे, मैं कितनी देर से बैठा था पर मुझे मछली नहीं मिली। सलीम एक बात मानो तो कहूँ, क्या कहना चाहते हो? सलीम मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा इस मछली के, ये मुझे दे दो, मैं अभी यही रुपया दे दूंगा। ना बाबा, ये मछली तो मैंने अपनी बीवी के लिए पकड़ी है, बेचने के लिए नहीं। और वैसे भी आपको तो लग भी रहा था कि मेरे बस की नहीं है मछली पकड़ना। हाँ भाई, सच में मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। सलीम अब बड़ी मछली और समा को लेकर वहाँ से चला जाता है और समा भी खुशी खुशी उस बड़ी मछली को खा लेती है। अब जब भी समा का मछली खाने का मन करता तो वो ही तालाब से मछली पकड़ कर लाता। भाई वाह, क्या बात है, तुम तो बड़े अच्छे मछली बाज हो, तुम्हें तो मछली का बिजनेस कर लेना चाहिए। हाँ, वो बड़ी मछली मुझे देखकर फिसल गई थी बाकी मछलियों की तरह। मछलियों को कितना भी फिसलने दो, तितलियों को मत फिसलने देना। हाँ मैं हूँ। सुमन, अरे उठो बहन, दिन निकल आया है और तुम हो कि अभी भी बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। सपना देख रही हूँ भैया, थोड़ी देर और सोने दो ना। तो ठीक है, हम बिना कुछ खाए पिए ही खेत पर जा रहे हैं। राघव की ये बात सुनते ही सुमन झट से उठ खड़ी होती है और अरे नहीं नहीं भैया, खाना खाकर ही खेत पर जाना, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ये कहकर सुमन रसोई घर में चली जाती है और तभी पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला राधा उनके घर आती है। अरे राघव है क्या? आओ मौसी, कहो क्या बात है। राघव के ये पूछने पर राधा का स्वर कुछ रुआसा हो जाता है। बात ये है बेटा कि सुमन ब्याहने लायक हो गई है, अब हमें इसका ब्याह कर देना चाहिए। सोच तो मैं भी रहा हूँ मौसी, मगर अगर मगर को मार गोली और लड़की के हाथ पीले कर दे बस। राधा मौसी के समझाने पर राघव साहूकार बिशन को अपने खेत बेचकर सुमन की शादी कर देता है और फिर सोचता है, खेत बेचकर बहन की शादी तो हो गई मगर अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। राघव ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ साहूकार बिशन आ जाता है। अरे क्या सोच रहा है राघव, खेती करना चाहता है क्या? खेत तो आपको बेच दिए, अब खेती क्या अपने सर पर करूं? सर पर क्यों करे, जमीन पर कर भाई, मेरे पास 2 बीघा बंजर जमीन पड़ी है, तू उसे ठीक ठाक करके उस पर खेती कर ले। ये सुनकर राघव खुश हो जाता है और दिन रात मेहनत करके साहूकार की बंजर जमीन को खेती लायक बना लेता है। साहूकार राघव के पास आकर जमीन देखता हुआ, अब देखना यह खेत तुझे सोने के अंडे देगा और तेरी दशा सुधर जाएगी। मुझे सोने के अंडे मिले या ना मिले, बस अच्छी फसल मिल जाए वही बहुत है। राघव खेत में फूल गोभी के पौधे लगाता है और कुछ ही दिनों में पौधे काफी बड़े हो जाते हैं। फिर एक सुबह वो खेत में जाता है तो हैरान ही रह जाता है, अरे इतनी सारी मुर्गियां और अंडे, 2 अंडे तो सोने के भी हैं। शायद साहूकार तो सही कहता था कि ये खेत सोने के अंडे देगा। राघव ये सोच ही रहा होता है कि तभी साहूकार एक सुनार को साथ लेकर वहाँ आ जाता है। क्यों राघव, गोभी के साथ साथ अंडों की खेती भी हो रही है ना? हाँ हो तो रही है। चल वो सोने के 2 अंडे हमें दे दे और बाकी के सब अंडे तू बाजार में बेचकर कमाई कर। इससे पहले कि राघव कोई जवाब देता, साहूकार खेत से सोने के अंडे उठा लेता है।
और उन्हें सुनार से देते हुए कहता है, लो भाई देख लो ये अंडे खरे सोने के हैं या नहीं। अंडे तो खरे सोने के हैं, मगर इस राघव को भी इनका कुछ दाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ क्यों नहीं, ये राघव मुझे रोज सोने के अंडे देगा और मैं इसके सारे खेत वापस कर दूंगा, ऊपर से ये खेत भी इसी के नाम कर दूंगा। अब तो साहूकार रोज सुबह आता और सोने के अंडे उठा ले जाता। कुछ दिन यही सिलसिला चला और फिर एक दिन गांव में राघव का एक दोस्त आया। सुना भाई आनंद, शहर की कैसी हवा तवा है? शहर की हवा तो कुछ ठीक नहीं है। वो कैसे? राघव के ये पूछने पर आनंद उसे सोने की एक बड़ी डकैती के बारे में बताता है। शहर के सबसे बड़े ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ गई है और चोरों ने बड़ी मात्रा में सोने के गहने चुरा लिए हैं। क्या, चोर अभी तक पकड़े नहीं गए? अभी तक तो कोई हाथ नहीं लगा, मगर जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस ने पूरे 1,00,000 का इनाम रखा है। शहर में सोने की बड़ी चोरी की बात सुनकर राघव का दिमाग घूम जाता है और वह सोचने लगता है, कहीं इस चोरी का मेरे खेत के सोने के अंडों से तो कोई संबंध नहीं, कहीं साहूकार तो चोर नहीं। यही सोचकर राघव को साहूकार पर शक हो जाता है और उसका शक सही निकलता है। हम भी कितने शातिर चोर हैं, चोरी के सोने को पिघलाकर अंडों में बदलकर रात को खेत में रखाते हैं और फिर सुबह जाकर खुद ही उठा लाते हैं। और बेवकूफ राघव ये कभी भी नहीं समझ पाएगा कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे बिल्कुल सही कहा। साहूकार की असलियत सामने आते ही राघव के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाती है और वो साहूकार की नौटंकी को भी अच्छे से समझ जाता है। अब समझा, साहूकार ये सारी चाल अपनी चोरी के इल्जाम में मुझे फंसाने के लिए चल रहा है, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं इन चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। यही सोचकर राघव अपने दोस्त आनंद के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बता देता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर बिना समय गवाए साहूकार को गिरफ्तार कर लेता है। साहूकार बिशन, तुम्हें और तुम्हारे इन साथी को सोने की डकैती के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह साहूकार को अपने किए की सजा मिल जाती है और राघव को सोना चोरों को पकड़वाने के लिए पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।